ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल, मैं कोई इनकी तरह किसी को अम्मा या मम्मी या आंटी या कुछ भी कह सकते हैं वैसे नहीं कहता, मैं सच के ऊपर पहरा देता हूँ। और एक पंजाबी होने के नाते मेरे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सबसे पहले हमारे फौजों का मनोबल और उनका प्रोत्साहन करना मेरा धर्म बनता है। और ये लोग आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के आए हैं मिस्टर त्रुदो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। ये लोग 8 महीने तक, मैं समझता हूँ कनाडा के अंदर कौन सा थीसिस लिखने गए थे, ये कह रहे थे मैं वहाँ पे रिसर्च करने गया हूँ कांग्रेस। मैं समझता हूँ जो रिसर्च वहाँ से करके आए हैं भी किस तरह कहते ना देश के ताबूत में कील ठोकने हैं, या पंजाबी चे जिमें साढ़े कहते हैं ना भी साढ़े इन्ह ने आके उत्थे थीसिस लिख के आए भी कांग्रेस की फटिया से किल किमें ठोकने। चन्नी जी एक मात्र कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, चन्नी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर भी हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस इज CWC। पंजाब के दो नुमाइंदे हैं वहाँ पे, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चन्नी जी, ये दोनों ने मिलके पंजाब को बदनाम करने का, पंजाब के अंदर आपसी सौहृदय जो भाईचारा बना हुआ है उसको दफन करने का इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ स्कीम बनाई हुई भी कांग्रेस को दफन करना है। ये लोग ऐसे बयान बेतुके बयान दे रहे हैं, जबकि एक तरफ आप राहुल गांधी जी के बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।